से बचने के लिए मनु अवस्थी ने फर्जी गोलीकांड की साजिश रची, जिसमें शागिर्द सचिन मिश्रा समेत कई लोग शामिल हैं। शनिवार की रात शराब फैक्ट्री के पास फर्जी गोलीकांड की घटना को अंजाम दिया गया था। मौके से 32 पूर का खोखा और स्कूटी मिली। अब सवाल यह उठता है कि पुलिस को क्यों सूचना नहीं दी गई। मनु अवस्थी पर रेप समेत कई गंभीर मामलों में मुकदमा दर्ज है। सिर्फ वसूली के लिए सम्मानित चैनल के रिपोर्टरों और उनके सहयोगियों पर गंभीर आरोप लगाता रहा है। मनु अवस्थी YouTube के माध्यम से ब्लैकमेल करता है। बड़ा सवाल यह है कि अगर हमलावर जान से मारने की नीयत से गोली मारने आते तो एक ही गोली क्यों चलाई। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ विरोधियों पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए पूरा खेल किया गया। सूचना देने वाला सचिन भी बलात्कार का आरोपी है। गोली लगने के बाद सबसे पहले स्कूटी की सुरक्षा पर ध्यान देते हुए लॉक लगाया गया। अंकित दीक्षित की रिपोर्ट। घटना ये हुई है कि मनु अवस्थी है, हमारे साथ छेड़छाड़ बदतमीजी करी है और बोल रहे थे कि आप, हमने वीडियो तुम्हारी बना रखी है, आप कहीं बताओगे तुमको जान से मार देंगे और 20,000 रुपये की मांग करी है, थाने जाओगे तो तुम्हें जान से मार देंगे, कहीं भी जाओगे। इस चीज़ की हमने एप्लीकेशन दी है। हमारे घर पे गए, हमको मारा पीटा, छेड़छाड़ करी हमारे साथ। 8,000 रुपये हमारे ब्लाउज के पर्स में रखे थे वो हमारे ले लिए हैं और जो है कोई हमारी सुनवाई नहीं होती, इसी वजह से हमने यहाँ एप्लीकेशन दिया है।